आज हम गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 11 और 12 करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ते संजन्यन् हर्षं कुरु वृत्तः पितामहः सिंहनादं विनोदच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। इसमें जो पहला श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु, इसमें जो है दुर्योधन जो है अपनी सैन्य शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो सैन्य शक्ति है उनके बारे में बोल रहे हैं, और ये बता रहे हैं अपने सैनिकों को बोल रहे हैं कि आप लोग सब सब अपने अपने मोर्चों पे डटे रहकर जो भीष्म पितामह हैं, जो उनके सेनापति हैं, उनकी रक्षा करें। एक्चुअली वो बोलना चाह रहे हैं कि जो भीष्म पितामह हैं उन्हीं के ऊपर युद्ध का जो पूरा दारोमदार है, मतलब पूरी जो युद्ध है वो उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। भीष्म पितामह कौन थे ये तो आप लोगों को पता होगा। यस मैम। भीष्म पितामह का जो नाम था पहले देवव्रत था, वो गंगा के पुत्र थे, और इसके बाद उनका नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। वो किसके लिए की थी? वो अपने पिता शांतनु के लिए की थी, तो ये ताकि जो उनके पिता शांतनु है वो सत्यवती से विवाह कर ले, और जो उनका ही पुत्र है, जो सत्यवती और शांतनु से जो पुत्र होंगे वही राज सिंहासन पर बैठेंगे, और वो राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, वो केवल अपने नगर की रक्षा करेंगे। तो जो भीष्म पितामह है वो शुरू से दुर्योधन के साथ रहे हैं। दुर्योधन का जो जन्म है वो उन्हीं के सामने हुआ है, तो वो दुर्योधन अपने सैनिकों को बोल रहे हैं कि आप लोग भीष्म पितामह, वो उनके उनसे काफी उम्र में बड़े हैं, कि उनकी रक्षा करें, कि कहीं वो वृद्ध हैं तो कहीं उनकी जो वो वृद्ध हैं इसीलिए कहीं सब लोग उनके ऊपर अटैक ना करें, इसी के चलते उन्होंने ये बात अपने सैनिकों को बोली। और जो दूसरा श्लोक है उसमें तस्य संजन यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, मतलब तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी और वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना करते हुए, जो सिंह गर्जना मतलब क्या, शेर की आवाज में गर्जना करते हुए उन्होंने शंख बजाया। शंख बजाने का उनका जो पहले क्या होता था, पहले के युद्ध में जो शंख बजा के ही युद्ध की प्रारंभ किया जाता था, कि मतलब जैसे युद्ध कैसे प्रारंभ होता था, शंख बजाया जाता था। और हर एक जो शंख थे उनके भी अलग अलग नाम थे। अगर आपको पता होगा कि हर एक जैसे जो भीष्म पितामह थे उनका भी शंख था, जो उसकी जो गर्जना होती थी वो सिंह की गर्जना, सिंह मतलब शेर की गर्जना के समान होती थी, और जो हर एक शंख थे उनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे भीष्म है उनके जो शंख का नाम था वो गंगनाब था। गंगनाब मतलब देखिए, गंगा, गंग मतलब गंगा, नाब मतलब ध्वनि, मतलब गंगा की ध्वनि। और ये बोला जाता है कि जो भीष्म पितामह की माँ जो थी वो तो गंगा थी, ये भी आप लोग जानते होंगे कि जो शांतनु थी है उनके पिता, उन्होंने पहले गंगा से विवाह किया था। तो गंगा से जब विवाह किया था तो उन्होंने जो गंगा ने उनसे एक शर्त से विवाह किया था कि जो उनके पहले जितने भी पुत्र होंगे वो उनके साथ कुछ भी करेंगी वो उनको रोकेंगे नहीं, वो कुछ भी कार्य करेंगी वो उनको रोकेंगे नहीं, अगर वो रोकेंगे तो वो विलुप्त हो जाएंगी। उन्होंने इसी शर्त पे शांतनु से विवाह किया था। तो जब उनके पुत्र पैदा हुए, पहले जो 7 पुत्र हुए थे उनको तो उन्होंने नदी में बहा दिया, जब ये 8वें पुत्र ये जो थे ये भीष्म थे इनको वो नदी में बहाने जा रही थी तो उन्होंने उनको रोक दिया। तो अब उन्होंने रोका तो इन्होंने कहा कि अब इसको ये पूरा आजीवन भर पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा और पृथ्वी के दुख भोगने पड़ेंगे, ये एक वसु है। ये भी हमने इसकी स्टोरी पहले की भी क्लास में बताई है कि वसु, वसु मतलब क्या, वो भी एक देवता, एक प्रकार के देवता होते हैं। तो इनको एक ऋषि से श्राप मिल गया था कि उन्होंने उनकी गाय चुरा ली थी अपने पत्नी के कहने पर। एक बार ये भ्रमण कर रहे थे तो उनके गुरु, जो इनके गुरु थे वहां पे भ्रमण करते हुए एक ऋषि थे वशिष्ठ, उनके आश्रम में उन्होंने
गाय बंधी हुई देखी थी। गाय देखी, उनकी पत्नी को बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि हमें ये गाय चाहिए। तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ, सात भाई थे इनके, मतलब सात भाई और एक भीष्म जो थे उस समय, ये उन्होंने जो पहले जन्म में उन्होंने किया था, कि उन्होंने वो अपनी पत्नी के कहने पर ये गाय चुरा ली थी। अब जब ऋषि को पता चला कि उन्होंने उनकी गाय को चुरा लिया है, उन्होंने तो उनको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तो ऋषि को दिव्य दृष्टि प्राप्ति, तो उन्होंने इस तरीके से देख लिया कि इन्हीं वस्तुओं ने जो है वो गाय को चुराया है। तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया था कि तुम आठों जो है जाके पृथ्वी पर जन्म लोगे और कष्ट भोगोगे। तो जो एक वसु थे, जो सब वसु ने प्रार्थना की कि आप हमें इनका निवारण बताइए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई तुमको अपने गर्भ में लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तुमको पैदा करके तुरंत छोड़ देगा, तो जो सात वसु हैं वो तो तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसने, क्योंकि गाय को इसके दिमाग में आया, इसने गाय को चुराया, और इसीलिए इसको पूरे मतलब आजीवन भर इसको जो है पृथ्वी पर कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये भीष्म पितामह ही वसु के रूप में थे, इन्होंने इसीलिए इस जन्म में शादी भी नहीं की थी, परिस्थितियां भी कुछ इस तरीके की हुई कि एक स्त्री के कारण ही इनको पहले जो है ये श्राप मिला था। तो उन्होंने इस जन्म में एक स्त्री के कारण ही, जो सत्यवती एक स्त्री थी, उन्हीं के कारण ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तो इस जन्म में तो उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उनको कष्ट जो है आजीवन भोगना पड़ा, जो श्राप उनका था वो उनको आजीवन भोगना पड़ा। लेकिन उनको अपने पिता से इच्छा मृत्यु का भी वरदान मिल गया था कि वो जब भी चाहे, मतलब अपने जो प्राण है जब उनकी इच्छा होगी वो तभी त्याग सकते हैं। तो दुर्योधन को पता था कि जो भीष्म है वो तो उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो एक उसको ये भी वो कंफर्म था कि कोई भी उनको नहीं मार सकता है, कोई भी तीर जो है उनको नहीं मार सकता है। लेकिन आगे जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि जबकि कैसे कृष्ण भगवान ने इसका भी तोड़ निकाला था, कि कैसे उन्होंने भीष्म पितामह को जो तीरों से छलनी किया गया था वो किस तरीके से किया गया था, और कैसे उन्होंने जो भीष्म पितामह है उन्होंने प्राण त्यागे थे। ये सब एक माया है, ये तो नहीं तो वहां पे कितने सब लोग थे जिनको की आजीवन, मतलब उनके पास ये वरदान था कि वो कोई भी कष्ट नहीं भोगेंगे, लेकिन फिर भी उनको कष्ट भोगना पड़ा था। अब जो है, जो शंख के बारे में हम बता रहे थे, जो भीष्म थे उनके शंख का नाम था गंगनाद। गंगनाद मतलब गंगा की ध्वनि, उनकी माता जो गंगा थी उन्होंने, बोला जाता है कि उनको ये शंख दिया था, और इस शंख की ध्वनि इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती थी, और इसकी ध्वनि सुनकर बहुत लोग जो है थर थर कांपने लगते थे, जो उनके शत्रु थे वो कांपने लगते थे। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे जो श्री कृष्ण है, फिर श्री कृष्ण के बारे में तो सब जानते हैं, उनका भी पास ही एक शंख था, उसका नाम था पांचजन्य। अब उसको पांचजन्य क्यों बोलते हैं? पांचजन्य, पांच पंच मतलब जो होता है हमारे हाथ, ये पांच उंगली उंगलियों की तरह की ऐसे करके उनकी शेप थी, जो शंख के होते हैं तो ठीक उंगली की तरह की, अभी भी आप तो कभी देखिएगा उसका इमेज है कि वो जो शेप है वो इस तरीके की थी, उंगलियों की शेप, इसीलिए उसको बोला जाता है पांचजन्य शंख। और ये जो शंख है ये भी, इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वो शंख कहाँ से उनको मिला। ये जब श्री कृष्ण और बलराम ये जब अपने गुरु संदीपनी के पास, उनके पास पढ़ते थे आश्रम में, तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद तो गुरु दक्षिणा लेते हैं कि नहीं, तो गुरु दक्षिणा मांगा जाता है कि गुरु जी आप बोलिए आपको क्या दे। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला कि मुझे जो है मेरे जो पुत्र हैं, उनके पुत्र थे पुनर्दत्त, उनके पुत्र कौन थे? पुनर्दत्त। तो उनको एक असुर उठा के ले गया था, तो उन्होंने बोला कि मेरे एक पुत्र को असुर उठा के ले गए हैं, तुम उसको लेके आओ। तो जो श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों गए, वो जो असुर थे वो समुद्र में रहते थे, तो वो वहां पे गए। वहां वहां जाने पर उन्होंने देखा कि जो एक जो दैत्य है, आपको ये पता होगा कि ये वाला जो पांचजन्य शंख है, ये जब समुद्र मंथन हो रहा था
उस समय जो अमृत मंथन हो रहा था, अमृत मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे, 14 रत्नों में से जो छठवां रत्न था वो क्या था, वो शंख था। यही जो पांच जन्य शंख है वो था। तो ये शंख को असुर लोग ले आए थे। तो इसी शंख में एक असुर राक्षस जो है वो सो रहा था। अब उस राक्षस को तो इन्होंने मार दिया, लेकिन जो जिसकी तलाश में, जो अपने गुरु के बेटे की तलाश में ये आए थे, तो वो जो बेटा था वो इनको नहीं मिला। वो लोग खोजे तो पता चला कि वो तो उसको तो इन्होंने मार दिया है, वो यमपुरी में है। अब तो वो ठहरे भगवान। अब वो यमलोक गए, जो बलराम को लेके यमलोक गए। अब उनको तो अंदर नहीं जाने दिया वहां के द्वारपालों ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो शंख इनके हाथ में था, इन्होंने उसकी गर्जना की। अब वो जो गर्जना जो पांच जन्य शंख की हुई, उससे पूरा यमलोक कांपने लगा। जब सब कुछ कांपने थरथराने लगा, तो यमराज जी बाहर आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने गुरु संदीपनी को हमने ये वचन दिया है कि हम अब उनके पुत्र को उनके पास लेके आएंगे। तो लेकिन आप तो उनको अपने पास पहले ही ले आए हैं। तो यमराज जी ने यमलोक को बचाने के लिए, कि अगर मैंने इनको गुरु के पुत्र को नहीं दिया, गुरु के पुत्र की आत्मा को, तो ये तो पूरा तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने जो है वो गुरु के पुत्र की आत्मा को उसके शरीर में डाल दिया यमराज जी ने। तो इसके बाद वो उनको गुरु पुत्र को लेके अपने ऋषि अपने गुरु के पास आए और उन्होंने उनको बोला कि, और जो शंख था वो भी लाए। तो श्री कृष्ण जी ने वो शंख जो है वो अपने गुरु को दिया कि मैं आपके पुत्र की तलाश में गया था, मुझे वहां से ये शंख मिला। तो देखिए उनकी ईमानदारी देखिए, उन्होंने कोई भी चीज छुपाई नहीं थी कि ये मुझे मिल गया, मैं अपने पास रख लेता हूँ। सब कुछ उन्होंने अर्पण किया, वो क्योंकि वो अपने गुरु के लिए कर रहे थे। तो उन्होंने वो जो शंख था वो भी अपने गुरु को अर्पण किया। अपने गुरु को अर्पण करने के बाद उन्होंने उस शंख को, तो जब अर्पण किया तो गुरु जी बोले कि नहीं, अब ये आप से ये शंख आपका ही होगा। तो इस तरीके से ये शंख हमेशा से श्री कृष्ण जी के पास ही रहा। अब आजकल अभी मैं सर्च कर रही थी कि ये शंख है कहाँ, तो मतलब उसमें कुछ भी ऐसा दिया नहीं गया है। दिया गया है कि करनाल के पास गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम था, मतलब जो आज की डेट में करनाल जगह है वहां पे उनका आश्रम था। तो वहां पे उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने उस शंख को रखा था। लेकिन अब ये बोला जाता है कि उस शंख को किसी ने चुरा लिया है। अब ये शंख कहाँ है इसके बारे में मालूम नहीं है, मतलब हमें पक्की तरह से नहीं पता है कि ये शंख इस समय कहाँ पे है। ये इस शंख की कहानी थी। आप लोगों को अच्छी लगी, समझ में आया? यस मैम। अब आप लोग को, जैसे अब हम बता रहे थे कि अगले हफ्ते जो है शिवरात्रि है। शिवरात्रि मतलब क्या, शिव भगवान का विवाह हुआ था उस दिन। तो उसको लिए हम उस दिन क्या किया जाता है, उस दिन सब लोग व्रत रहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, यही करते हैं ना बेटा? यस हाँ। मैम। तो फिर इसके बाद जो आप, एक चीज आपने नोटिस की है कभी, शंकर भगवान के जो सामने क्या रहते हैं, मतलब कौन सी मूर्ति रहती है, बोलो? नंदी की हाँ रहती हाँ है। नंदी बाबा रहते हैं। तो नंदी बाबा कौन है? नंदी बाबा जो है वो गण है। गण गण मतलब क्या होता है, सेवक। ठीक है, जो शंकर जी हैं, जो शंकर भगवान हैं, उनके कई गण हैं। उसमें से जो नंदी हैं वो उनके सर्वश्रेष्ठ गण है। नंदी को उन्होंने नंदीश्वर कहा है, मतलब उनको उनको बोला है कि ये जो कर्ण है, जो ये है नंदी, वो सबसे ऊपर है, मतलब सबसे बड़े हैं वो। ठीक है, और उन्होंने ये नंदी जो है वो आए कहाँ से, इनके सेवक कैसे बने, इसकी भी एक कहानी है। इसमें क्या होता है, एक जगह एक ऋषि होते हैं, शिनाद ऋषि। तो वो जो ऋषि होते हैं उनके कोई, वो तपस्या करते हैं, तपस्या काफी कर रहे होते हैं। तो जो उनके अगल बगल रिश्तेदार और उनके सब संबंधी, सगे संबंधी होते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि अगर ये ऋषि ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे, इन्होंने विवाह नहीं किया होता है, तो
इनका तो वंश जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस उन ऋषि से मतलब एक ऋषि को बोला कि आप जो है अब गृहस्थ आश्रम किया करिए और अपने वंश को आगे बढ़ाइए। लेकिन वो ऋषि इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंद्रदेव की तपस्या की। इंद्रदेव को तपस्या करके इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने बोला कि भगवान मुझे एक पुत्र चाहिए लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता। तो इंद्रदेव बोले नहीं बेटा, मेरा ये मेरे बस में नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पुत्र दूं। तो वो चले गए। अब इसके बाद उन्होंने भोले बाबा की पूजा की, शिव जी की पूजा की। तो शिव जी तो ठहरे भोले भंडारी, उनसे तो जो मांगोगे वो मिलेगा। तो शिव जी ने बोला अच्छा ठीक है, तुमको एक पुत्र मिलेगा। तो उसके बाद जो ऋषि थे वो एक बार अपने इनका खेत था वहां पे खेत में जा रहे थे, वहां पे उनको एक बच्चा मिला। तो वही बच्चे को वो अपने घर ले आए और उसका नाम रखा था नंदी। अब नंदी जो थे वो काफी विद्वान थे और उनकी शिक्षा भी इन्हीं ऋषि के आश्रम में हुई। तो इनके पास जो है एक बार उनके मित्र आए जिनाद ऋषि के, उनका नाम भी था मित्र और वरुण। उनके जो दो फ्रेंड्स थे उनका नाम क्या था, मित्र और वरुण। तो उनकी जो है नंदी जी ने काफी सेवा की। अब सेवा करने के बाद उन्होंने जाते हुए जो ऋषि है उनको बोला कि हम आपके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं और आपकी उम्र बहुत लंबी हो और आपको कोई कष्ट ना हो। तो अब उन्होंने जो ऋषि थे उन्होंने सोचा कि सेवा तो मेरे बेटे ने की है लेकिन ये आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इनकी जो उम्र है वो बहुत कम है, वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, अल्पायु है। अब ऋषि को बहुत मतलब अफसोस हुआ, उदास रहने लगे। तो नंदी जी ने उनसे पूछा किया कि क्या बात है कि जिसके लिए आप उदास हैं। तो उन्होंने ये बात बताई। तो वो बोले कि अरे जिसके ऊपर शंकर भगवान का हाथ है वो अल्पायु कैसे हो सकता है। इसके बाद वो जंगल में गए और वहां पे उन्होंने तपस्या करनी शुरू की शंकर जी की। और शंकर जी आए उनके पास, प्रसन्न हुए और उनसे बोला बोलो क्या चाहते हो। तो उन्होंने यह बोला कि प्रभु मैं केवल और केवल आपके चरणों में जीवन भर रहना चाहता हूँ, आजन्म भर मैं आपके आप ही की सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो जो ये थे शंकर जी वो उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने ही जो नंदी जी हैं उनका जो चेहरा है वो कैसा है, बैल का चेहरा है ना, बैल है ना वो, तो उन्होंने वो चेहरा उनको लगाया। वो चेहरा शंकर जी द्वारा लगाया गया था। तो वो चेहरा लगाया उन्होंने नंदी जी का और उन्होंने ये बोला कि जो नंदी हैं वो अब से मतलब और उन्हीं को अपना, अभी तक जो शंकर जी थे उनका कोई वाहन नहीं था, वो ऐसे ही पैदल ही सब जगह जाते थे। तो अब से यही मेरे वाहन बनेंगे, मतलब जो है वो शंकर जी हैं वो अब फिर जो नंदी जी को ही सर्वश्रेष्ठ बोले ये मेरे साथ रहेगा। और जो भी भक्त को अगर कुछ, अगर देखो हम लोग मंदिर जाते हैं क्या करते हैं, नंदी जी के कान में कोई कुछ बोलता है ना, बोलते हैं कि नहीं आप लोग? हम बोलते हैं हाँ एकदम धीरे से बोला जाता है कि अगल बगल वाला नहीं सुने। हम जो नंदी जी को बोलेंगे तो वो क्यों बोलते हैं बोलो तो? वो इसलिए बोलते हैं कि नंदी जी जो हैं वो शंकर भगवान के परम शिष्य परम गण हैं। तो वो उनको जो भी बोलेंगे वो अगर आपकी इच्छा जो है उचित होगी और अच्छी होगी सबके हित में होगी तो वो जरूर पूरी होगी। वो शंकर जी के पास वो ले जाते हैं और शंकर जी उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। तब से वो शंकर जी के गण बन गए। शंकर जी ने बोला कि यही मेरे गण हैं, मतलब ये मेरे सेवक रहेंगे और मैं ही मतलब जो इनके वाहन हैं, इनके द्वारपाल है बोलो कुछ भी बोलो, वो जो है वो नंदी जी रहे। तो नंदी जी का कहानी अच्छा लगा? यस ऐसे ही इनके एक गण और है, बोलो कौन है बोलो तो? शंकर जी के गले में क्या रहता है? साफ हाँ सांप। सांप कौन है बोलो तो? जो सर्प है वो वासुकी नाग है। वासुकी वासुकी मतलब जो सर्पों के देवता होते हैं वो हैं। अब देखो गले में तो सब कोई बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, मतलब ज्वेलरी पहनते हैं ना लोग तो, और अधिकतर सब जो देवता लोग हैं उनके उसमें क्या देखोगे, सब
एकदम बढ़िया से ज्वेलरी वगैरह पहने रहते हैं, कानों में कुंडल और ये सब। शंकर जी के तो ऐसा कुछ नहीं है ना। शंकर जी क्या है, शंकर जी को का मतलब क्या है? देखो शंकर जी जो है वो ये बोलते हैं कि जो हमारा जीवन है, जीवन में जैसे कष्ट है, मतलब कितने कष्ट है, उन्होंने अपने शरीर पे भी विभू धूल मिट्टी और ये सब लपेटा हुआ है ना, मतलब कैसे वो रहते हैं कि ये सब जीवन के कष्ट हैं, हमें इन सब कष्टों को पार करते हुए ही जो आनंद की प्राप्ति है वो मिलती है। देखो जीवन में ना केवल हमारे जो संसार है इसमें केवल दो ही लोग ऐसे हैं, दो प्रकार के लोग जो खुश रहते हैं। बोलो कौन कौन से? एक जो सबसे खुश रहते हैं जो मूर्ख हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है जो मूर्ख है, उनको कुछ नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, मस्त रहते हैं। दूसरे कौन सबसे खुश रहेंगे, जिन्होंने जो मेडिटेशन ध्यान करके तत्व को प्राप्त कर लिया, मतलब अब उनको जीवन मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जीवन मरण से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सांसारिक मोह माया से उठ जाते हैं। ये नहीं है कि सांसारिक मोह माया से उठने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया या अपने घर परिवार को छोड़ के अलग हो गए, ये चीज नहीं होती है। घर परिवार में रहते हुए भी जो भगवान का नाम लेके सच्चे मन से बुलाता है, जो मतलब अब उनको इस चीज का डर नहीं रहता कि हमें मृत्यु मिलेगी, हमारा हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, उन्होंने सब कुछ भगवान का छोड़ दिया। अगर हम अपना सब कुछ भगवान का छोड़ देते हैं तो भगवान जरूर आके हमारी सहायता करते हैं, तो वो लोग सुखी रहते हैं। और दुखी कौन होते हैं, जो हर समय हाय 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 करते रहेंगे, मतलब हर समय पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं आ रहा है, इसके लिए हर समय दुखी है। अब पैसा भी आ जाता है तो फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर रहती है कि जिसके लिए दुख होता ही होता है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि एक बार मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि ये बताइए कि जो जीवन में जो हमारे जो है पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है, कि आगे वाला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी होता है। देखिए यहाँ पे कैसे, अगर आप प्रमाण के तौर पे हमारे पास गीता है, गीता में ही देखिए कितने लोगों को पूर्व जन्म मिला, जन्म हुए उनके पूर्व जन्म थे, फिर ये जन्म लिए, फिर अगला जन्म हुआ, जैसे भीष्म है उनके हुए, और अब आपका जो ये है शिखंडी है वो हुए, तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से हम लोगों को जीवन मरण के जो चक्र है वो सब पूरा करना पड़ता है। तो ये सब होता रहता है, मतलब जो भी चीजें हैं ये सब होती रहती है। इन सब चीजों को ज्यादा मतलब डीपली हमको नहीं लेना है कि अरे ये हो रहा है तो कैसे होगा, कैसे चलेगा। ये जो लाइफ है हमारी, जो प्रेजेंट, हमें भगवान ये बोलते हैं कि जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है इसमें आप अच्छे कर्म करते हुए इसको निकालिए। आपके अगल बगल, अगल बगल क्या, आपके घर परिवार में भी जो लोग हैं उनका भी कभी कोई बुरा नहीं करना है, या कुछ भी मतलब हमको बुरा सोचना नहीं है, उनके ही प्रति जो फर्ज है अगर हम वो भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनको भी हम कोई दुख नहीं होने देते। घर परिवार में बहुत लोग होते हैं, हर एक के घर परिवार में, जैसे लेडीज है, अब आप हो बेटा, आपके घर में जैसे दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, जो भी होंगे सब होंगे ना, तो फिर उनको मतलब हमें अपनी तरफ से कोई दुख नहीं देना है किसी को भी, कि हमारी तरफ से कोई हमको गलत काम ऐसा नहीं करना है कि जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची किसी को भी दुख पहुंचे। हमको कोशिश ये करनी चाहिए। और अब हम जो है अगले हफ्ते भी जो है शंकर जी का ही कहानी वगैरह जो है, और भी उनके जो गण हैं, उनके जैसे वासुकी नाग हैं, वो कैसे उनके गले में वो लपेटे, वो शंकर जी वो क्यों लपेटे, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और उन्होंने चंद्रमा को क्यों अपने सर पे धारण कर किया हुआ है, जानते हैं ना, चंद्रमा को शंकर जी ने अपने अर्ध चंद्रमा को रखे हैं ना, तो वो सब वो किस लिए है, क्या क्यों है, तो इन सबकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तो वो हम अगली क्लास में जरूर शेयर करेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोगों के अभी कोई क्वेश्चन है आपके किसी के भी?